दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाथरूम का कमोड सफेद ही क्यों होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, घर में, होटल में, ट्रेन में या फिर कहीं और भी हम जब भी बाथरूम में कमोड का इस्तेमाल करते हैं तो वो सफेद रंग का ही होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कभी आपने सोचा है कि कमोड हमेशा सफेद ही रंग का क्यों होता है? कुछ लोगों को हो सकता है इसके बारे में जानकारी हो, जबकि ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचे भी नहीं होंगे। आज के समय में आप किसी पुराने जमाने के व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि कमोड सफेद ही होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कमोड सफेद ही क्यों होता है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि सफेद कमोड से टॉयलेट अच्छा लगता है, जबकि कुछ का कहना है कि इसमें गंदगी जल्द पता चल जाती है। लेकिन सफेद रंग के पीछे का कारण यह सब नहीं है। जो लोग भी इस तरह की बातें बनाते हैं वो बेबुनियाद है। सफेद कमोड के पीछे का कारण उसे बनाने वाले मटेरियल से जुड़ी है। जिस मटेरियल से कमोड को बनाया जाता है उसे सिरेमिक या पोर्सिलेन कहते हैं। हिंदी में आप इसे चीनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। देखने में इसका रंग सफेद होता है। सफेद रंग का होने के चलते कमोड बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और दिक्कत भी नहीं होती है, लिहाजा इसके रंग सफेद होते हैं। हालांकि बदलते समय के साथ साथ इसके रंग में भी बदलाव आ रहे हैं।